अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। अहमद शाह अब्दाली के व्लॉग में मैंने ज़िक्र किया था कि दो बादशाहों का ताल्लुक़ किसी न किसी हवाले से मुल्तान से है। एक तो यहाँ पैदा हुआ यानी अहमद शाह अब्दाली, और दूसरा गयासुद्दीन तुगलक, जिसने जो है वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के साथ एक बुग्स पैदा कर लिया और समा के हवाले से, क्योंकि उसे समा से तकलीफ़ थी और उसने जो है वो बंगाल की मुहिम पर जाते हुए ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से कहा कि मेरे वापस आने से पहले पहले दिल्ली छोड़ दो। ख्वाजा साहब ने तो दिल्ली नहीं छोड़ी, लेकिन उनके मुरीद बहरहाल बहुत परेशान हुए, और जब बंगाल फतह करके वो वापस आ रहा था तो वो हर मंजिल पर उनके मुरीद उन्हें बताया करते थे कि जो है वो सरकार गयासुद्दीन तुगलक फलां जगह पहुंच गया, फलां जगह पहुंच गया। तो जब भी सरकार ये बात सुनते तो वो मुस्कुरा देते, और उनका एक जुमला होता था, हनूज दिल्ली दूरस्थ। तो लिहाजा जब वो दिल्ली से एक मंजिल दूर पहुंच गया तो मुरीदों ने कहा कि सरकार अब तो वो बिल्कुल सर पर आ गया है, हमें दिल्ली छोड़ देनी चाहिए। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया हनूज दिल्ली दूरस्थ। लिहाजा वहाँ उस जगह एक लकड़ी का बंगला बनाया गया था ताकि बादशाह को अगले दिन दिल्ली ले जाया जाए और उसका शाया निशान इस्तकबाल किया जाए। वो जो है रात वहाँ ठहरा, लकड़ी का महल था, हाथी उसकी खिदमत में पेश किए गए जो उसके बेटे ने मुबैना तौर पर पेश किए थे, और वो हाथी हाथियों का वज़न बर्दाश्त नहीं कर सका, वो जो लकड़ी का महल था और वो गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक उसके नीचे दबकर मर गया। ये मकबरा जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये शाहरुख़ आलम का है, और ये मुल्तान की पहचान है। मुल्तान का जब जब जिक्र आता है इसी मकबरे की तस्वीर जो है वो दिखाई जाती है। शाहरुख़ आलम सैयदना बहाउद्दीन ज़िक्रिया के पोते और शेख सदरुद्दीन आरिफ के साहबजादे। शाहरुख़ आलम 9 रमज़ानमबारक 649 हिजरी बमुताबिक 1251 ईस्वी जुमे के दिन पैदा हुए। आपकी विलादत की खुशी में आपके दादा हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी ने मुल्तान के गुरबा और मसाकीन के दामन ज़रो जवाहर से भर दिए। अकीके के मौके पर आपके सर के बाल तराशे गए जो आज तक तबर्रुकात में महफूज हैं। आपका नाम रुकनुद्दीन रखा गया। आपके अदब व आदाब से मुतासिर होकर ख्वाजा शमसुद्दीन सब्जवारी ने आपको रुकनुद्दीन उल आलम का खिताब दिया, लेकिन आप शाहरुख़ आलम के नाम से मशहूर हुए। आपकी वालिदा बीबी रास्ती फरगाना के शाह जमालुद्दीन की साहबजादी और फरगाना की शहजादी थी। हाफिज़ कुरान थी और तिलावत कुरान मजीद से इस कदर शक्फ रखती थी कि रोज़ाना एक कुरान मजीद ख़त्म करती थी। शाहरुख़ आलम अभी बतने मादर में ही थे कि शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी ईद का चांद देखकर आपकी वालिदा को सलाम करने के लिए खड़े हो गए। आपकी वालिदा ने जब इस पर ताज्जुब का इजहार किया तो उन्होंने फरमाया, बेटी ये ताज़ीम तेरी नहीं बल्कि उस बच्चे की है जो इस वक्त तेरे बदन में है और जो जवान होकर मेरे ख़ानदान का चिराग होगा। बीबी रास्ती जब शाहरुख़ आलम को दूध पिलाने लगती तो पहले वज़ू कर लेती थी, और चूँकि हाफ़िज़ा कुरान थी इसलिए दूध पिलाने के दौरान कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर देती। दौरान तिलावत अगर अजान की आवाज़ सुनाई देती तो शाहरुख़ आलम दूध पीना छोड़ देते। बीबी रास्ती ने घर की खादमाओं को हुक्म दे रखा था कि नन्हे शाहरुख़ुद्दीन को सिवाय इसमें बारी तआला के और किसी लफ्ज़ की तलकीन ना की जाए। इस एहतियात का नतीजा ये निकला कि जब आप बोलने के काबिल हुए तो सबसे पहले जो लफ्ज़ ज़बान से निकला वो अल्लाह अज़र व जल का इसमें गरामी था। शाहरुख़ आलम ने उलूम ज़ाहिरी की तालीम अपने वालिद और रूहानी फैज़ अपने दादा हजूर बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी से हासिल किया। शाहरुख़ आलम की उम्र जब 4 साल हुई तो हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी ने बिस्मिल्लाह शुरू की और शेख सदरुद्दीन आरिफ ने कुरान मजीद हिफ्ज़ कराना शुरू किया। शाहरुख़ आलम का मामूल था कि 3 मरतबा में पौ सिपारा पढ़ते और वो हिफ्ज़ हो जाता। जब शाहरुख़ आलम की उम्र 4 साल थी कि एक रोज़ बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी ने बैठते वक्त दस्तार मुबारक सर से उतार कर चारपाई पर रख दी। नन्हे शाहरुख़ुद्दीन खेलते खेलते दस्तार के करीब आए और उठाकर अपने सर पर रख ली। वालिद ने डांटा कि ये बेअदबी है।
मगर दादा हजूर ने फरमाया कि सदरुद्दीन पगड़ी पहनने से इसे ना रोको, वो इसको मुस्तहिक है और ये पगड़ी मैं उसे अता करता हूँ। 36 साल की उम्र में जब आप अपने वालिद के बाद मसद खिलाफत पर जलवागर हुए तो वही पगड़ी आपके सर पर रखी गई। आप 7 साल की उम्र में 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने लगे। एक दिन बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी नमाज से फारिग होकर दरवाजे के करीब आए तो देखा कि शाह रुकन आलम ने दोजखी और जन्नती नमाजियों के जूतों की अलग अलग कतारें लगा रखी हैं। अवाम तो इस नुक्ते को क्या जानते, ख्वास ने अलबत्ता अपने जहनों पर जोर देने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कोई नतीजा निकालते बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी ने जूते बखेर दिए और बाहर निकलकर प्यार से समझाया कि बाबा ऐसा न करो, अल्लाह जल्ला शानहू के राज फाश करना हमारे नज़दीक गुनाह है। शाहरुख ने आलम की ग़िज़ा बहुत ही कलील थी, एक प्याला दूध में कुछ मेवे डालकर उसी से चंद लुक्मे तनावल फरमाते। घर वालों ने एक तबीब से किल्लत ग़िज़ा की शिकायत की। तबीब ने ग़िज़ा मंगवा कर देखी और उसमें से चंद लुक्मे खुद खाए। खाने के बाद उसने गरानी महसूस की और कहा अब 7 दिन खाने की हाजत ना होगी। हजरत शाहरुख ने आलम 16 रजबुल मुरज्जब व मुताबिक 735 हिजरी बरोज़ जुमेरात नमाज मगरिब से फारिग होने के बाद सलात अवाबीन अदा फरमा रहे थे। नमाज से फारिग हुए तो सर सजदे में रख दिया। उसी वक्त बुलावा आया और रूह परवाज कर गई। आपको आपके दादा शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के कदमों में दफन किया गया। तथीन के चंद रोज़ बाद हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया शेख सदरुद्दीन मोहम्मद के ख्वाब में आए और फरमाया आपने कुतबुल अख्ताब को मेरी पांती दफन कर दिया है, मुझे सख्त तकलीफ हो रही है, आप उन्हें सामने दूसरे मकबरे में दफन कर दें ताकि मैं आराम से रह सकूं। हुक्म वाज़ह था, सामने गयासुद्दीन तोलक का मकबरा था जो उसने बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के कुर्ब में दफन होने की खातिर अपने ज़ाती खर्च से तामीर कराया था, मगर इत्तफाक से सुल्तान की मौत दिल्ली में हुई और वहीं दफन कर दिया गया। सुल्तान के जानशीन मोहम्मद शाह तुगलक ने जो शाह रुकन आलम का मोतकिद था मकबरा हजरत शाह रुकन आलम को दे दिया। हजरत उसे इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल फरमाते थे, मगर महज इस ख्याल से कि मुमकिन है इसकी तामीर बैतुल माल के रुपए से की गई हो उसमें दफन होना पसंद ना फरमाया। उसने इत्तफाक से गयासुद्दीन तुगलक का साहबजादा और हिंदुस्तान का बादशाह फिरोज़ शाह तुगलक ऐन उस दिन सिंध से वापस दिल्ली जा रहा था। जब वो मुल्तान में रुका तो अम्माए दीन ने उसे हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का ख्वाब सुनाया। उसने इस बात का यकीन दिलाया कि इस मकबरे की तामीर बैतुल माल से नहीं हुई बल्कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने इसे अपनी ज़ाती आमदनी से तब तामीर कराया था जब वो दीपालपुर के गवर्नर थे, लिहाजा उसने अम्माए दीन के साथ कब्र कुशाई की और हजरत शाह रुकन आलम के जसद मुबारक को कंधा देकर वालिद के खाली मकबरे तक लाया और अपने हाथों से उनकी तदफीन की। वो दिन है और आज का दिन, ये मकबरा मकबरा नहीं रहा बल्कि शाह रुकन आलम का मज़ार बन गया। इस्लामी फन तामीर के शाहकार इस मज़ार का गुंबद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है जो अपनी खूबसूरती के बायस ज़ायरीन की निगाहों को खीरा करता है। 1970 की दिहाई से पहले यह आलिशान मकबरा गफलत की वजह से खस्ता हाली का शिकार रहा। बैरूनी हमला आवरों की पै दर पै यलगार से भी इस अजीमुशान मकबरे की अपनी खूबसूरती मांद हो चुकी थी। चुनाचे 1971 में इस मकबरे की बहाली का काम शुरू हुआ। इस काम में पुरानी ईंटों की शक्ल और साइज के मुताबिक 13.5 लाख से ज़ायद ईंटें इस्तेमाल हुईं, जबकि मकबरे की तमाम बोसीदा लकड़ी को भी तब्दील कर दिया गया। यह अजीम मंसूबा मार्च 1978 को पाया तकमील तक पहुंचा। मकबरे की इमारत 8 पहलू है और इसका कुतर 49 फुट 3.5 इंच है। दीवारें अमूदी हैं जबकि फर्श से मकबरे की मुकम्मल ऊंचाई 100 फुट है, लेकिन एक टीले पर होने की वजह से मकबरे की मजमूई ऊंचाई सतह ज़मीन से 160 फुट बनती है। मकबरे की इमारत 3 मंजिला है। पहली मंजिल की ऊंचाई 41 फुट 3 इंच जबकि दीवारों की मोटाई 13 फुट 10 इंच से लेकर 14 फुट 8 इंच तक है।
दीवारों के सहारे के लिए हर पहलू के कोने की पुश्त पर सतून तामीर किए गए हैं जो दीवारों से बाहर निकले हुए हैं और पहली मंजिल के खत्म होने के साथ ही एक छोटे गुंबद की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इन सतूनों की कुल लंबाई 53 फुट 3 इंच है। पहली मंजिल नीचे से ऊपर तक आरायशी पट्टियों से मुजयन है। दूसरी मंजिल की ऊंचाई 25 फुट 10 इंच है। इस मंजिल के हर पहलू एक कटावदार मेहराब वाली खिड़की है जो कि खश्ती और काशी के काम से मुजयन है। दोनों तरफ 4-4 खुशनुमा काशी के डिजाइन वाले फूल हैं जिन्हें नौखानी और शमशा कहते हैं। तीसरी मंजिल एक खूबसूरत और दिलकश गुंबद पर मुश्तमल है जो मीलों दूर से नजर आता है। इस शानदार गुंबद पर सफेद चूने का पलस्तर हुआ है जबकि नीचे काशी और खश्ती का उम्दा और लाजवाब काम है जो देखने से ताल्लुक रखता है। मकबरे के अंदर एक ऊंचे चबूतरे पर शाह रुकन आलम की कब्र मुबारक है। इसके चारों अतराफ एक खूबसूरत संगे मरमर का कटहरा है जबकि कदमों में 4 कतारों में 58 कब्रें हैं जो मुरीदैन और खुल्फा की हैं। लकड़ी का उम्दा ढांचा 32 सतूनों की बुनियाद पर कायम किया गया है जो नीचे से लेकर छत तक और दीवारों के अंदर आर पार होकर इस मकबरे का मुकम्मल अहाता किए हुए है। मदार के अंदर मगरबी जानिब 11 फुट ऊंची और 7 फुट चौड़ी लकड़ी की एक खूबसूरत मेहराब है जिसे उम्दा शीशम की लकड़ी से तैयार किया गया है और इसकी अतराफ में बारीक कंदाकारी से आयतुल कुर्सी खते कुफी में तहरीर की गई है। शाह रुकन आलम और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया बड़े गहरे दोस्त थे। एक तो मैंने गयासुद्दीन तुगलक का वाक़ा सुनाया, इसके अलावा भी आप अक्सर बेशतर मिलने के लिए जो है वो दिल्ली तशरीफ ले जाया करते थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के साथ। एक दफ़ा जब आप तशरीफ ले गए तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि रुको, जाना नहीं। आप हैरान हुए कि ऐसी क्या बात है कि ख्वाजा साहब मुझे रोक रहे हैं और मुझे जाने नहीं दे रहे। पता ये चला कि अगले दिन ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का विसाल हो गया। तो शाह रुकन आलम ने ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की नमाज जनाजा पढ़ाई। दोस्ती का आलम यह था कि इतना फासला, ज़ाहिर है उस ज़माने में दिल्ली और मुल्तान का फासला बहुत तवील हुआ करता था, लेकिन फासलों की परवाह नहीं की, हमेशा दोस्ती को मुकदम रखा। और ये दोस्तियाँ जो है वो आजकल की दोस्तियाँ तो खैर अजीबोगरीब हैं, लेकिन ये रूहानी दोस्तियाँ ये जो है वो इनका रंग ही कुछ और होता है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया बाबा फरीद गंजशकर के मुरीद थे और जो मुल्तान वाले हैं मतलब शाह रुकन आलम, ये सिलसिला सोहरवर्दी से इनका ताल्लुक था और इनका जो फैज़ है वो शहाबुद्दीन सोहरवर्दी सरकार से था। लेकिन कभी भी इन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि वो चिश्ती सिलसिला है और ये सोहरवर्दी सिलसिला है, बल्कि ये दोस्तियाँ जो रूहानी दोस्तियाँ होती हैं ये आम इंसानों की दोस्तियों से मावरा होती हैं और इन दोस्तियों की बाकायदा मिसाल दी जाती है क्योंकि ये दोस्तियाँ मिलकर रूहानियत को, इस्लाम को, तबलीग को और जिसे हम दावत हक कहते हैं, ये दोस्तियाँ उस सिलसिले में होती हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि ज़ाहरी तौर पर तो मेल जोल सब का होता है, लेकिन बातनी मेल जोल किसका होता है ये अल्लाह जानता है या वो लोग जानते हैं जो इन महफिलों में शरीक होते हैं। जैसे हम और आप एक दूसरे के साथ रोज़ाना की बुनियादों पर मिलते हैं या महीनों की बुनियादों पर मिलते हैं, इनकी महाफिल रोज़ाना की बुनियादों पर होती हैं। और आका जी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली, इमाम हसनैन जो है वो इन महफिलों में की सदारत फरमाते हैं और मर्तबा मर्तबा इनको बिठाया जाता है। हर वली का अपना एक मर्तबा है, कुतुब का अपना मर्तबा, अब्दाल का, वली का, गौस का, और ये तमाम के तमाम यूँ कह लें कि हर रात इकट्ठे होते हैं और दुनिया हमें वही नज़र आती है जो हमें हमारी आंखों के सामने नज़र आती है, लेकिन असल दुनिया ये नहीं है। असल दुनिया वो है जो हमारी नज़रों से पोशीदा है। इसीलिए कहा जाता है कि एक आलम लाहूत है, एक आलम नासूत है और दोनों में बहुत फ़र्क है। तो ये जिस दोस्ती का मैंने जिक्र किया ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और जो है वो शाह रुकन आलम का, ये यूँ समझ ले कि ये आलम लाहूत की दोस्ती भी थी और आलम नासूत की दोस्ती भी थी। ये मुल्तान के उन जो है वो मकाबिर में से एक है जिन मकाबिर से मुल्तान ज़िंदा है।
मुल्तान का जो किला जो कहलाता है सबसे बुलंद तरीन मकाम, और ये मकबरा भी सबसे बुलंद तरीन मकबरा है। इसका डिज़ाइन सबसे मुख्तलिफ है तमाम जो मकाबर बने हुए हैं। उस शरीफ के जो मकबरे हैं वो और इनका जो डिज़ाइन है वो मिलता जुलता है, जो है वो डिज़ाइन है। कुरैशी ख़ानदान के पास है, इसकी देखभाल करते हैं। और मेरा ख़्याल है कि मुल्तान आने वाला कोई शख्स भी ऐसा नहीं होगा जो यहाँ शेख रुकन आलम के रुकनुद्दीन आलम या रुकन आलम जो भी आप जो है वो सरकार को कह लें कि यहाँ हाज़िरी दिए बगैर जाता होगा। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें जो है वो इस मकबरे की ज़्यारत नसीब हुई। शहरों का तो कोई भरोसा नहीं, शहर उजड़ते रहते हैं, बसते रहते हैं। मुल्तान पिछले 5-6 हज़ार साल से आबाद है, अल्लाह जाने इसकी उम्र कितनी है, लेकिन ये तयशुदा बात है कि ये मकबरा जब तक मुल्तान है तब तक ये मुल्तान की पहचान रहेगा। और अगर खुदा न खास्ता कभी मुल्तान ना रहा तो इस मकबरे की अपनी शनाख्त हमेशा कायम रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होती। क्योंकि औलिया कराम दुनिया से पर्दा ज़रूर फरमाते हैं, इस दुनिया से रुखसत ज़रूर होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो इस जहान से चले जाते हैं। इनकी महाफिल उसी तरह मुनक़द होती हैं जिस तरह हम और आप आपस में मिलते हैं। ये मकबरा इसी तरह सलामत रहेगा, लोग इसी तरह आते जाते रहेंगे, इसी तरह सलाम पेश करते रहेंगे, इसी तरह जो है वो आपकी महफिलें सजती रहेंगी और ये मकबरे इसी तरह आबाद रहेंगे। हमारी दुआ भी यही है कि ये मकबरे इसी तरह आबाद रहें, लोग आते रहें, उनकी मन्नतें मुरादें पूरी होती रहें। क्योंकि ये बेशक जो है वो दुनिया से पर्दा फरमा चुके, मनो मट्टी तले दफन है, मतलब जो रिवायतन कहा जाता है, लेकिन आज भी ये हज़ारों लोगों की उम्मीद है, हज़ारों लोगों की आस है। तो ये आसें नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि उम्मीद अगर है तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी है तो उम्मीद है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।